हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज बात करते हैं रोडीज के अगले एलिमिनेशन के बारे में। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि रोडीज से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार रोडीज एलिमिनेट होने जा रहे हैं। जी हाँ, ये रोडीज की हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट एलिमिनेशन होगा, क्योंकि हमेशा या तो एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होता है या फिर ट्विस्ट आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ दो एलिमिनेशन हो जाता है। बट नॉट दिस मच। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी तीन वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, आकृति, लीजा और नवीन की। ऑलरेडी इस बार 30 कंटेस्टेंट थे, नॉर्मली हर सीजन में 20 कंटेस्टेंट आते हैं। प्रिंस भी लास्ट एपिसोड में बोल रहे थे कि जर्नी कैसे खत्म होगी इतने लोगों में। तो इस बार एलिमिनेशन में फिर से प्रिंस का गैंग वीक पोजीशन में होगा, फिर से प्रिंस की गैंग ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा और फिर से वो टास्क में हगने वाले हैं। प्रिंस प्रोमो में अपनी टीम को डांटते हुए भी दिख रहे हैं, उन्होंने ना तो टास्क में परफॉर्म किया और ना ही उनसे पॉलिटिक्स होती, इंडिकेटिंग कि इस बार चांसेस हैं कि प्रिंस की गैंग के और स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट एलिमिनेट होने जा रहे हैं। सीवेत और नायरा, जिनका शो के स्टार्टिंग में ही बॉन्ड बन गया था, वो भी अब खराब हो चुका है, इतना ज्यादा कि सीवेत नायरा को धोखा दे देंगे वोट आउट में। वैसे दोनों के बीच इश्यूज पहले से ही शुरू हो चुके थे, सीवेत नायरा से बोर हो चुके हैं। लास्ट एपिसोड में सीवेत ने कहा था कि उनको नायरा पहले अच्छी लगती थी जब वो फन थी, और अब नायरा सीवेत पे हक जमाती है, उनसे बोलती है कि इससे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो सीवेत ने नायरा से टाइज कट कर लिया है और अब वोट आउट में भी नायरा को धोखा देंगे, जिसकी वजह से नायरा वोट आउट हो जाएंगी। वोट आउट होने पर नायरा सीवेत पे ब्लेम डालेंगी और सीवेत को उल्टा सीधा बोलेंगे कि सीवेत लॉयल नहीं है, सीवेत ने उन्हें धोखा दिया है। सीवेत भी ये सब चुपचाप नहीं सुनेंगे और सीवेत भी नायरा को डिसलॉयल बोलेंगे, क्योंकि नायरा ने भी सीवेत को धोखा दिया है। एक्चुअली सीवेत प्रिंस की गैंग से है और नायरा रिया की गैंग से। पहले तो प्रिंस और रिया की गैंग का अलायंस था, तो ऑल वॉज वेरी वेल बिटवीन देम, लेकिन अब उनका अलायंस टूट गया है। तो नेक्स्ट वोट आउट में प्रिंस की गैंग रिया की गैंग के अगेंस्ट वोट डालेंगे, अब नायरा भी सीवेत को धोखा देंगी। इसके अलावा प्रिंस गैंग के लिए वोट आउट बहुत भारी पड़ने वाला है, टास्क में वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे। प्रिंस की गैंग स्टार्टिंग से ही टास्क को बेकार परफॉर्म करती आ रही है और इस टास्क में भी वो यही करेंगे। प्रिंस गैंग से सीवेत के बचने के तो चांसेस हैं, बट प्रिंस की गैंग के दो कंटेस्टेंट इस वोट आउट में एलिमिनेट हो सकते हैं, जिससे प्रिंस की गैंग और वीक हो जाएगी। लास्ट एपिसोड के टास्क में प्रिंस का गैंग थर्ड आया था, नॉर्मली तो प्रिंस का गैंग फर्स्ट रहता है, थर्ड तो बहुत दूर की बात है, प्रिंस का गैंग सेकंड भी नहीं आता। लेकिन ये सीजन प्रिंस का नहीं है, जहाँ स्टार्टिंग से लग रहा था कि ये सीजन तो प्रिंस आसानी से जीत जाएंगे, वहीं अब लग रहा है कि इस सीजन में तो प्रिंस के जीतने के दूर दूर तक चांसेस नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। इफ यस, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।